नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी के मोहनसराय से लेकर लहरतारा तक बनने वाले 6 लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 19 अगस्त और दिन है सोमवार का। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं लहरतारा तक बनने वाले वाराणसी के पहले सबसे चौड़े 6 लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी के मोहनसराय से लेकर लहरतारा तक बनने वाले 6 लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 19 अगस्त और दिन है सोमवार का। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और पूरा आपको लहरतारा तक दिखाते हैं इस सड़क मार्ग का लेटेस्ट अपडेट। कितना निर्माण कार्य हुआ है, जैसा कि ऊपर में आप देख रहे हैं, वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे नंबर 19 और यहीं से 6 लेन सड़क परियोजना की शुरुआत होती है। यहाँ सामने की तरफ काफ़ी बड़ा ये चौराहे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी आकृति संभवतः शिवलिंग के आकार की होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवलिंग के आकार का ये चौराहा बन रहा है, भव्य चौराहे का निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा गोलाई में लिए हुए। और ये आगे सीधे चले जाएगा आपको लेकर लहरतारा के लिए। यहाँ आपको दिखाएं तो इस चौराहे का निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ पूरा गोल ये चौराहा है। यहाँ से आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार गोलाई में लिए हुए हैं और आगे की तरफ शिवलिंग की आकृति का ये चौराहा मोहन सराय के पास। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये सड़क मार्ग सीधे आपको ले जाएगा लहरतारा की तरफ। वाराणसी का पहला 6 लेन सड़क और वो भी सबसे चौड़ा, जैसा कि देख रहे हैं पूरा गोलाई में और काफ़ी बड़ा ये चौराहे का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। आगे चला जाएगा प्रयागराज और मेरे पीछे साइड में आपको दिखाऊं तो ये राउंड शेप में पूरा ये चौराहा है, जिसका कि निर्माण कार्य आप देख रहे हैं कितना हुआ है। चौराहे से आगे की तरफ आने पर आपको कुछ इस प्रकार ये भव्य द्वार का निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिलर खड़ा किया जा रहा है। करीब 13 किलोमीटर लंबा ये सड़क मार्ग वाराणसी के लहरतारा तक, करीब 11 किलोमीटर ये पूरा 6 लेन बन रहा है। उसके बाद करीब 2 किलोमीटर ये आपका 4 लेन बनेगा बौलिया से लेकर वाराणसी कैंट जंक्शन तक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइडर पर पोल खड़ा करने के लिए आपका बेस तैयार किया गया है। दोनों तरफ सड़क निर्माण कार्य करीब करीब कुछ दूर तक कंप्लीट हो चुका है।
बीचो बीच डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और ये सड़क मार्ग बिल्कुल हरियाली युक्त होगा। वाराणसी में दो सड़क परियोजनाएं 6 लेन की चल रही हैं। पहला आप देख रहे हैं मोहन सराय से लेकर लहरतारा तक, और दूसरी सड़क परियोजना है 6 लेन और वो है आपका पड़ाव चौराहे से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक बनने वाले 6 लेन सड़क परियोजना का, जो कि करीब 9 किलोमीटर से ऊपर है। काफ़ी दूर तक यहाँ पर डिवाइडर का निर्माण कार्य हो चुका है इस सड़क मार्ग पर। दोनों तरफ सर्विस नालियाँ और सर्विस रोड, उसके बाद ये 6 लेन सड़क। जैसा कि देख रहे हैं डिवाइडर पर निर्माण कार्य करीब करीब कंप्लीट होता हुआ जगतपुर इंटर कॉलेज तक ये सड़क मार्ग करीब करीब लगभग बन चुका है। यह आपका ठिकाना ढाबा के पास का दृश्य है। थोड़ी बदली है वाराणसी में इस समय। आगे में आपका जगतपुर इंटर कॉलेज, जैसा कि आपने अभी तक देखा मोहन सराय से जगतपुर इंटर कॉलेज तक करीब करीब पूरा ये कंप्लीट काम लगभग दिखाई देता है। दोनों तरफ का सड़क मार्ग, कंक्रीट वाला सड़क मार्ग बनकर तैयार है, डिवाइडर पर काम चल रहा है। आज सोमवार का दिन है और आखिरी सोमवार है सावन का। सामने ही आप देख रहे हैं बाएं तरफ जगतपुर इंटर कॉलेज। ये आप देख रहे हैं जगतपुर इंटर कॉलेज के पास का दृश्य है। जगतपुर इंटर कॉलेज का ये सामने की तरफ खेल का मैदान।
आगे में है आपका रोहनिया बाजार। जैसा कि आप देख रहे हैं, जगतपुर इंटर कॉलेज के आगे तक ये काम करीब करीब यहाँ तक पहुँच चुका है। मशीनें जहाँ खड़ी हैं यहाँ तक ये कंप्लीट काम हो चुका है। चलिए अब चलते हैं रोहनिया बाजार की तरफ। ये है आपका रोहनिया बाजार। जैसा कि देख रहे हैं रोहनिया बाजार पर अभी काम उतना तेजी से शुरू नहीं हुआ है। यहाँ काफी मकान अभी भी ध्वस्तीकरण करना बाकी है। रोहनिया थाना और रोहनिया उसके आसपास का ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर काम हुआ है। ये है आपका थाना रोहनिया। तो चलिए अब चलते हैं इस तरफ से आपको आगे की तरफ लेकर। कांवड़ियों के लिए एक लेन पूरी तरीके से बंद था, लेकिन आज के बाद अब ये दोनों लेन चालू हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं दोनों तरफ इस मार्ग में काफ़ी बसें खड़ी हैं, पर ये सब बसें टूरिस्ट वाली बसें हैं। शहर में वैसे भी ट्रैफिक की समस्या है, जिसके चलते ये जितनी भी बसें हैं सब यहाँ पर लगी हैं। ये आपका भुल्लनपुर के आगे आप देख रहे हैं। सड़क पूरी तरीके से चौड़ा कर दिया गया है, सिर्फ आपका फिनिशिंग का काम बचा है। अधिकतर काम इस सड़क मार्ग का हो चुका है, यानी कि जितने भी पेड़ थे और भवन थे उन सभी का ध्वस्तीकरण करने के बाद सड़क मार्ग करीब करीब चौड़ा हो चुका है। सिर्फ आपका सीमेंटीकरण करके सड़क चौड़ा करना बाकी बचा है, जिसका कि कुछ भाग आपने देखा आगे की तरफ मोहन सराय से आगे की तरफ।
कितना काम कंप्लीट हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं इस तरफ कौन ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। यहाँ जैसे कि जय हनुमान मंदिर सामने की तरफ, ये हनुमान मंदिर फिलहाल अभी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, जो कि खाली कर लिया गया है। और ये पेड़ पौधे यहाँ पर रास्ते में जो थे बचे हुए, उनकी अब कटिंग की जा रही है। आगे ही आपका चांदपुर चौराहा है। जैसा कि देख रहे हैं इस सड़क मार्ग पर पूरी तरीके से गाड़ियों का कब्जा है। ये है आपका चांदपुर चौराहा। अब इधर से आपको आगे की तरफ ले चलते हैं लहरतारा के लिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एरिया है उसको नया जगह बनाकर शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर मोहन सराय के पास एक अलग ज़मीन पर इसको बसाया जाएगा। यहाँ अभी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि पूरा 6 लेन बनने के बाद ये पूरा जगह साफ़ हो जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक देखा मोहन सराय से लेकर लहरतारा तक, ये भी आपका मंदिर यहाँ से शिफ्ट होगा। आगे ही आपका बोलिया है, लहरतारा का बोलिया, और वहीं तक के ये 6 लेन बन रहा है और उसके आगे फिर ये 4 लेन हो जाएगा कुछ दूरी तक, करीब 2 किलोमीटर तक। तो यहीं तक कि ये 6 लेन निर्माण कार्य कंप्लीट होगा।